हाल ही में एक इंसिडेंट पेश आया है सिक्किम सोवरा में, जिसमें फैमिली का ये दावा है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जो है एक हामिला बहन की जान गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो हामिला बहन थी वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें नजदीकी अस्पताल जो स्किम्स में पड़ता है वहां पे शिफ्ट किया गया। उसके बाद काफी मामला बढ़ गया और इसके साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि उस हामिला बहन की मौत वाकया हुई है। इसी सब के बीच सच्चाई क्या है और किस तरीके से जो है आखिरकार ये मौत वाकया हुई है, हमारे साथ जुड़े हैं उसी फैमिली के एक शख्स जिनका नाम मंजूर है, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वजूहात क्या थे और क्या कुछ वाकया पेश आया है। मंजूर साहब, क्या कुछ वाकया पेश आया, कहां से आप और किस तरीके से जो है ये पूरा वाकया पेश आया है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असल में इसकी शादी आज से करीबन 6 महीने पहले इधर बाकोरा आलस्टे गांदरबल में हुई है। जी। इसका नाम है उल्फत। जी। हस्बे दस्तूर इसको कल शाम करीबन 11 बजे हमने इसको सोवरा में लिया है कि वैसे थे प्रेग्नेंट लेडीज, इसकी जो थोड़ी सी पेन हुई थी जी, हमने उसको हस्बे दस्तूर एक मतलब जो हमारा नजदीकी हॉस्पिटल है यहाँ लेडीज हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल यही सोवरा में जी, कल रात 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ये सिर्फ उसको इंजेक्शन करते रहे जी। जबकि हमने कई बार इनको पूछा कि अंदर पेशेंट की क्या हालात है, सिर्फ कह रहे थे ठीक है, आप ये इंजेक्शन लाओ जी। हमने जब भी इनको पूछा कि हर बार बोल रहे थे कि ये ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह 11 बजे उन्होंने कहा कि आप अब ऑपरेशन के लिए ये सामान ले आओ जी। हमने सामान भी लाया ऑपरेशन के लिए जी। जब असल में इसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें ना अंदर जाने की इजाजत दी जी, ना इनसे मिलने की इजाजत दी, ताकि हमें भी उसकी हालात के बारे में पता चलता जी। इसका मतलब डेथ कब हुई, क्या हुई, उन्होंने हमें उस बारे में कोई इतला ही नहीं दी, हमें मतलब ने डार्क में रखा है जी, अंधेरे में रखा जी। आप बराबर ये जो गबर फिल्म की तरह वो स्टाइल, आप ये दवाई लाओ वो दवाई लाओ। हमने डॉक्टर साहब को फोन किया, सुबह 11 बजे तक कोई डॉक्टर भी नहीं अंदर आया जी। पेशेंट को सिर्फ ये पता नहीं, ये बोल रहे थे कि हमने इंजेक्शन की हालात ठीक है, लेकिन अंदर क्या उसके उसके साथ हो रहा था तो हमें नहीं बता रहे थे जी। ना हमें किसी को अंदर जाने की इजाजत दे रहे जी। थे। बदकिस्मती से इन्होंने जब उसकी मौत भी वाकया हुई उसके बाद इन्होंने उसका ऑपरेशन किया जी, ताकि ये लगे कि हमने ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन में मतलब इसकी कोई तकलीफ थी उसकी वजह से इसकी मौत हो गई जी। अगर इसके मतलब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद कोई जिंदा इंसान को खून आता है जख्म पर जी, जहाँ इसके मतलब ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके जहां से हम इसको मतलब सर्जरी कर रहे हैं वहां से तो खून आ रहा है जी। जब वहां से खून नहीं आ रहा है, जब वहां से खून नहीं टपक रहा है, इसका मतलब वो पहले उसकी डेथ हुई थी जी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने खुद ही पुलिस को कॉल किया जी, पुलिस को वहां लाया जी, मतलब इसका मतलब वो पहले ही डेथ हो चुकी थी डॉक्टरों की वजह से जी, इन्होंने पुलिस क्यों लाई जी। फिर बहाना बनाया कि नहीं अब हम वहां उसको बड़े सिटी हॉस्पिटल में ले रहे हैं जी, फिर रेफर किया उस हॉस्पिटल में, वहां जब फुल फॉर्मेलिटी के लिए ले गए वहां जी, ताकि ये पता चले कि यहाँ ये ठीक थी वहां इसकी डेथ हो गई। उम्र क्या थी इनकी? करीबन 24+। अच्छा, आपसे आप ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से इनकी मौत वाकया हुई है, क्या लगता है अथॉरिटीज को क्या इकदाम लेने चाहिए? अथॉरिटी को पहले उन डॉक्टरों पर केस करना चाहिए, अगर ये 11 बजे वहां हमने एडमिट की जी, इनको लगे कि इसकी हालत खराब है जी, कम से कम इनको बड़े डॉक्टरों को मुतल्ला करना चाहिए और बड़े डॉक्टरों को वहां पहुंचना चाहिए। वो किसके मतलब किसके लिए तनख्वाह ले रहे हैं जी, वो किस बात के लिए बड़े अथॉरिटी बने हुए हैं? आपको लगता है डॉक्टर्स की लापरवाही ही है? लापरवाही नहीं तो और क्या है जी? ये सीधा कत्ल है। मतलब एक जूनियर डॉक्टर को चलो वहां रखा है, एक मतलब उसको कहते हैं फर्स्ट एड के लिए जी। कल रात के 11 बजे से सुबह 11 बजे तक यानी 12 घंटे इन्होंने किसी बड़े डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं किया जी? अगर बड़े डॉक्टर को तब कॉल किया जब उसकी मौत हो चुकी है।
खैर, जिस तरीके से मंजूर साहब ये वाकया पेश आया, आपको क्या लगता है कि इसके बाद कौन सा कदम जो है उठाना चाहिए, अथॉरिटी को एक्शन उनका लेना कसूर चाहिए? है, पहले बड़े डॉक्टर जो भी वहां अथॉरिटी है उनके खिलाफ एक FIR होना चाहिए, जी ताकि रोज 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 वहां नाहक लोगों की कत्लेआम रुक जाए। ये सीधा एक कत्लेआम हो रहा है वहां पर। वालिदैन का क्या कहना है इनके का? वालिदैन का क्या कहना है? वालिदैन मुसीबत में है, वालिदैन क्या कहेंगे? वालिदैन को भी यही दर्द है कि अगर हमारी बच्ची बीमार थी, इसका कोई मसला था, कम से कम ये कहते कि नहीं ऑपरेशन से हम बच्चे को नहीं बचा सकते, कम से कम लेडीज को बचा सकते। खैर मंजूर साहब, बहुत ही शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दूं कि हमारे साथ उन्हीं फैमिली के एक शख्स मौजूद थे, मंजूर इनका नाम है, और इनका साफ तौर पर ये एक दावा है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जो है इस पेशेंट्स की जान गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो गुजर गए हैं, जो हामिला बहन गुजर गई हैं, उनकी उम्र जो है करीबन 26 साल बताई जा रही है, जिनका नाम जो है उल्फत जान बताया जा रहा है, जो कि बाकोरा गांदरबल की रहने वाली है, और कुछ ही वक्फा हुआ था इनकी शादी को। अब आपको बता दूं कि इनका साफ तौर पर दावा है इंटरवीन करनी चाहिए हायर अथॉरिटीज इस मामले में, और तहकीकात होनी चाहिए, और यह पता लगना चाहिए कि आखिरकार कौन है कसूरवार। और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि दूसरा पक्ष क्या है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।